इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ पर असरअंदाज कौन हो रहा है, कौन है जिससे बानी पीटीआई को जान छुड़ाना होगी। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने सनसनी से भरपूर इंकशाफात कर दिए। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर के मुताबिक जिस दिन इंतखाबी बेकायदगियों और धांधलियों की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी उसी वक्त मसीहाई के दावे करने वाले बहुत से हरजाई बेनकाब हो जाएंगे। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर ये बात भी होगी कि जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान में इख्तलाफात की बुनियाद क्या थी। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने भारतीय हुकूमत के साथ जो बैकडोर चैनल खोल रखा था उसकी वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के क्या तहफ़ुज़ात थे। कुछ अरब ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान और इसराइल की दोस्ती में दिलचस्पी क्यों ले रहे थे और इस सिलसिले में जनरल बाजवा का क्या किरदार था। क्या इमरान खान ने जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बाजवा से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। क्या बाजवा ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ साजिश की। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बरवक्त क्यों ना हुए। हामिद मीर ने लिखा कि ये सवाल भी अहम होगा कि अगर फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो फिर रियासती मामलात कैसे चलेंगे। ये मामलात इमरान खान चलाएंगे या जनरल फैज हमीद चलाएंगे जो आज भी पीछे बैठकर तहरीक इंसाफ को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। नवंबर 2022 में जनरल फैज हमीद ने मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा के जरिए शहबाज शरीफ से मिलने की बहुत कोशिश की ताकि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बन सके। ये कोशिश कामयाब ना हुई तो फैज साहब तहरीक इंसाफ के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे। इमरान खान अगर आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया के हामी हैं तो उन्हें जनरल फैज से जान छुड़ाना होगी क्योंकि फैज ने अदलिया और मीडिया के साथ वही किया जो आज हो रहा है।